और शिक्षा का स्तर अच्छा बने, और अच्छी शिक्षा के लिए जैसे हमारे पूरे जुलाना के अंदर कोई भी एमए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई साधन बने कि इधर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार 25 दिनों से हमारा विधानसभा क्षेत्र जुलाना को लेकर के कि जनता की राय जो कार्यक्रम चल रहा है उसी को लेकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो संभावित प्रत्याशी जो टिकट की जो दौड़ में है, एक मजबूत प्रत्याशी हैं, उनसे हम मुलाकात करवा रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं जो संदीप लोहान एक आज विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंदर एक लोगों के अंदर एक अपनी एक पहचान बना चुके हैं संदीप लोहान। लेकिन उनको हम हर प्रत्याशी से, जो संभावित प्रत्याशी है उनसे पूछते हैं कि आप अपने क्षेत्र की समस्या को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या केवल और केवल पोस्टर बैनर तक ही सीमित है। तो आइए, क्योंकि जब नेता किसी समस्या को नहीं जानेगा अपने विधानसभा क्षेत्र की, वो उसको पूरा कैसे कर पाएगा फिर। तो संदीप लोहान जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में स्वागत आपका। धन्यवाद जी। अच्छा संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव नज़दीक है ऐसे में, और आपने काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी कर रखी है विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंदर। क्या मुद्दा लेकर के आएंगे आप विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंदर? सबसे पहले तो ये बताए, आपको पता है विधानसभा क्षेत्र जुलाना की जो है समस्या क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए, जुलाना के विधानसभा क्षेत्र काफ़ी जुलाना और जिन काफ़ी पिछड़ा जिला माना जाता है, इसमें बहुत टाइम से, बहुत समय से विकास नहीं हुआ है। अनेक यहाँ सरकारें आई गई, यहाँ सिर्फ एक राजनीतिक परिदृश्य रैलियाँ होती रही, न जींद का विकास हुआ न जुलाना का विकास हुआ। लेकिन अभी इस जो पिछले 5 साल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जींद का और जुलाना काफ़ी विकास किया है। उससे पहले यहाँ कोई विकास नहीं था, और अभी भी जुलाना के अंदर काफ़ी समस्याएँ बची हैं जिनको मैं सुधार करना चाहूँगा। जैसे पानी की समस्या है, पीने की समस्या है, प्रॉपर जुलाना में नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या है, जहाँ कई जगह थोड़ी सी बारिश होती पानी खड़ा हो जाता है, फिर वो एक गांव से दूसरे गांव में डाला जाता है पंपों के द्वारा, फिर तीसरे गांव में डाला जाता है, जिससे आर्थिक हानि भी होती है और उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो मैं इस चीज़ को, पाने के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी काम किया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमारा खेती किसानी का काम है, तो वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब मैंने किया हुआ है। तो इस चीज़ से जुलाना के क्षेत्र का काफ़ी विकास हो सकता है। जो पानी एक तो पीने का नहीं है, उसके लिए अच्छी पाइपलाइन और इसके द्वारा वाटर मीटर जैसे लगे हुए हैं, तो कितना पानी लगना चाहिए, कितना जाना चाहिए, उसके के द्वारा जुलाना हल्के का काफ़ी पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है जी। अच्छा संदीप जी, जैसे लोकसभा चुनाव था उस टाइम पर, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब लोकसभा चुनाव, जैसे यहाँ 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें, 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती है। लेकिन जब प्रत्याशियों से, जब हम अन्य अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों से मुलाकात करते हैं, तो उनका कहना कि यदि बात करें विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की, बोला इनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। क्या आपको लगता है कि जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना की जी सीट भारतीय जनता पार्टी आपको देती है, तो आप जीत पाएंगे यहाँ से? मैं बिल्कुल जीत पाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो मैं बहुत अच्छे वोटों के मार्जिन से जीतूंगा। और रही बात कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में के मुद्दे अलग होते हैं, मेरा ये मानना है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुद्दे ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। ये मान सकते हैं देश के जो मुद्दे रहते हैं उसमें लोकसभा चुनाव का थोड़ा सा अलग रहता है बाहरी उसके लिए, लेकिन अंदर देश में, राज्य में और हल्के के अंदर कोई मुद्दा अलग नहीं होता है। वही समस्याएं होती है, युवाओं को रोजगार देना, पानी का प्रबंधन करवाना, हर सुख सुविधाएं, पानी जल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोकसभा वालों का भी और विधानसभा वालों का सबका यही एक उद्देश्य रहता है कि जनता की सेवा की जाए। बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, जैसे कंडेला कांड जो हुआ था उसके अंदर एक आपका एक अहम योगदान रहा था उस समय पर, और हमारे दर्शकों को ग्राउंड मीडिया के माध्यम से एक बार बताएं कि क्या ऐसा, क्योंकि आप जो पॉपुलर उस समय जो जैसे हुए थे, तो क्या किया था आपने ऐसा? देखिए, कंडेला कांड जब हुआ था, मैं रोहतक में जाट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पर हॉस्टल में रहता था, तो ये मई 2001 की बात है। तो तब यहाँ पर काफ़ी जो कंडेला कांड का नाम था, लेकिन हमारे राजपुरा बैंड और गुलकर्णी में कई किसानों का गोली लगने से, पुलिस की गोली लगने के द्वारा मर्डर हुआ था, तो तब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चेंज की जा रही थी, यहाँ से घायलों को ले जाया जा रहा था, तो ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि जिनको गोली लगी है, जो घायल हुआ है, उनके ऊपर सरकार, तत्कालीन सरकार झूठे मुकदमे दायर करवाएगी कि आपसी लड़ाई में मरे हैं, ऐसा मरे हैं। तो मैंने वहाँ पर मेरे जो साथ के हॉस्टल के लड़के थे, जो मेरे साथ में पढ़ते थे, 50-60 लड़कों को वहाँ पर मैं रोहतक PGI के अंदर लेकर गया, तो उनकी जो पोस्टल रिपोर्ट थी वो चेंज नहीं होनी थी। वहाँ तब वार्ड नंबर 4 में ये सब एडमिट थे, और डॉक्टर सुबे सिंह वहाँ के वार्ड इंचार्ज थे, डॉक्टर थे, ये रात की बातें थी। तो मैंने, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक पहले चेंज हो गई थी, उससे पहले एक बुजुर्ग की गोली लगने से हत्या हुई थी,
तो बोले ऐसे ऐसे हो सकता है कि ये गोली से नहीं लगी, ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, रात को 2:30 बजे वहाँ के जो रिपोर्टर रखी थी वो रखी थी, एक नर्स से एक डॉक्टर से मिलकर 2:30 बजे उनको ले लिया कि एक घंटे के लिए मुझे कैसे भी दे दीजिए। और उससे पहले मैंने एक फ़ोटो की कॉपी की जो दुकान थी वहाँ पर बात कर ली थी, तो उसको खुलवा कर और उनकी सबकी फ़ोटो कॉपियाँ करवा कर जो 10-12 घायल थे और जो 3-4 जो गोली लगने से गुजर गए थे उनकी रिपोर्टों करने पास रख ली थी। तो अगले दिन फिर मैंने ये तब तत्कालीन यहाँ पर गांव वालों को बताया था कि ऐसे ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज किया जा रहा है, और तब भूपेंद्र हुड्डा जी ये सब नेता सभी पार्टियों के तब वो तत्कालीन सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, तो उसके बाद वो रिपोर्टें चेंज नहीं कर पाए थे। तो उसमें काफ़ी योगदान रहा था, जो घायल थे और वो थे उनका मैंने वहाँ पर 10-12 दिन रहे थे, काफ़ी इलाज करवाया था, योगदान रहा, ये काफ़ी रहा था। यहाँ मेरे पिताजी इस यहाँ पर तब जब काफ़ी यहाँ पर काम कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि ऐसे ऐसे करना, तो मैं तब अपने तन मन धन से तो उनकी सेवा में लग गया था। आपके जो प्रेरणादायक आपके जीवन में सामाजिक क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हैं आपके पिताजी हैं? बिल्कुल, जो राजनीतिक क्षेत्र में मेरे प्रेरणादायक रहेंगे वो मेरे पिताजी रहेंगे, और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं इनसे बिल्कुल उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, जैसे हर एक बार जैसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब हम जाते हैं प्रत्याशियों से, जैसे हमारा एक प्रश्न रहता है कि यदि विधानसभा क्षेत्र जो जुलाना है इसमें कई गाँव हैं, जैसे आपने पता भी पानी की वजह से भी जो समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो लेकिन विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो मतदाता हैं वो संदीप लोहान को ही मतदान क्यों करे? आपने विधानसभा क्षेत्र जुलाना के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य किया है जुलाना के लिए? देखिए, जुलाना के सामाजिक कार्य के अंदर मैं तब यहाँ छात्र जीवन के अंदर था, तभी वो कंडेला कांड और ये सब किया था। फिर 2010 में मैं मध्य प्रदेश चला गया था, और वहाँ पर हमने 2011 में जो अर्ध कुंभ हुआ था और वो हुआ था, तब मैं RSS संघ से जुड़ा था, और उसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी सक्रियता सदस्यता ग्रहण की थी, और तब से मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उससे लगातार कार्य करता रहा हूँ। मैं मानता हूँ जुलाना के अंदर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। 2009-10 में जब कंडेला कांड हुआ था तभी जुलाना ही हल्का था, यहाँ पर काम किया था। उसके बाद यहाँ पर एक उससे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि यहाँ के जो कोई बीमार हो जाता, मैं गाँव के अंदर आता देखता था कोई ज़्यादा गंभीर बीमार हो गया तो उसको बोलते रोहतक ले जाओ, तो लोगों की मानसिक ताकि नहीं, रोहतक ले जाने से तो वहाँ से देखते हैं तो डेड बॉडी आती है, तो लोगों को ऐसा था कि रोहतक ले जाने से डेड बॉडी ही आती है, लेकिन वो इतना बीमार होता था कि उसका इलाज नहीं हो पाता था। तो मैंने लोगों की तब मानसिकता को चेंज करने के लिए काफ़ी किया था, बीच बीच में मैं आया हूँ और एम्स का ये सब किया, और दूसरा जुलाना के लिए मैं बीच में कम रहा हूँ ये मैं मानता हूँ, और अब मैं जुलाना के अंदर आ गया हूँ और यहाँ का मैं सामाजिक विकास करूँगा, अनेक युवाओं को रोजगार के लिए और सभी इस प्रकार समस्याओं का मैं समाधान करूँगा। संदीप जी, जैसे किसानों की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए जुलाना क्षेत्र के जो किसान है, क्योंकि आपने खेती बाड़ी में जो अपना एक बिजनेस जो आगे बढ़ाया है, तो जुलाना के किसानों को क्या सुविधाएं दे पाएंगे आप ऐसे में? देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर कृषि की किसानी के अंदर मैंने आधुनिक जो ड्रिप सिस्टम है, नेटाजार सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर का ये काफ़ी काम किया है। ऊंची नीची जो ज़मीनें हैं, जो अनुपजाऊ जमीन है उनको मैं समतलीकरण करके ड्रिप के द्वारा वो सब किया है। अभी मैं पिछले 3 साल से जैविक खेती और जीरो बजट की खेती इनके तरफ मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। एक खेत में मैं अपना जीरो बजट की पत्ती से कर रहा हूँ, एक मैं नेचुरली जैविक खेती का अलग अलग मैं कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का 2022 तक हर किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है, उसके अंदर भी मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर मैंने काफ़ी काम करने के लिए सुझाव गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था, वहाँ के राज्य सरकार तो मैंने दिया है, और वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे अपने खर्चे पर इजराइल और नीदरलैंड की 2 देशों की यात्राएं कराई है, तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार का धन्यवाद देता हूँ, मुझे 2 देशों में भेजा था खेती किसानी के लिए देखने के लिए। तो मैं वहाँ से बहुत टेक्निकें सीख के आया, इजराइल से कुछ मशीनें, नेटाजी सिस्टम और ये सब लेके आया, और तो मैं उससे मेरे को काफ़ी वहाँ लाभ मिला, तो वही टेक्निकें मैं यहाँ यूज़ कर पाऊँगा। और यहाँ पर हर जैसे जुलाना क्षेत्र है पूरा एक किस्म से ये कृषि प्रधान क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर नरमा कपास और ये होती है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बागवानी के लिए पूरा 100% का वो नींबू के लिए, अमरूद के लिए, ये सब के लिए वो दिया बागवानी के लिए, तो भविष्य में इससे युवाओं जो हैं जो सोच रहे हैं कि खेती किसानी नहीं करनी चाहिए उनको इससे जोड़ेंगे, और युवाओं के जो जमीन का है जो लागत उनके प्रति एकड़ जो 20-30 हज़ार बचत होती है, तो उसको 1,00,000 रुपये तक ले जाने का मेरा कम से कम लक्ष्य रहेगा। संदीप जी, यदि विधानसभा क्षेत्र अपने जुलाना की यदि बात करते हैं, क्योंकि मैं जैसे मेरा प्रश्न परमेंद्र सिंह ढोलसे भी था यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, तो कि क्योंकि जो ये लिजवाना, डिगाना, सामड़ो, गतोली जो ये गांव हैं इस तरफ के, यहाँ का जो क्षेत्र है पानी की जो समस्या है, यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है,
लेकिन यदि कम बारिश होती है तो वो राजस्थान की जैसे एक रेतीली भूमि होती है ऐसा रूप ले लेती है। तो इस समस्या का क्या समाधान रहेगा, क्योंकि पानी को वो आगे से आगे भेजने का जो कार्य है ऐसे तो शायद इसका समाधान नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है, किस प्रकार से इस समस्या से हम निपटारा कर सकते हैं? देखिए, मैं देखता था यहाँ से जैसे गतौली है, पौड़ी, अथवाड़ा, इस मेन रोड पर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी ज़्यादा होती है, फिर वाटर जो होता है उसको पंपों के द्वारा रोड क्रॉस किया जाता है, फिर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, इस टाइप से उसको आर्थिक हानि होती है, कोई स्थाई उसका प्रबंधन नहीं होता है। तो इसका स्थायी प्रबंधन ये रहता है कि हमको वाटर रिचार्ज करें, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको अपनाया जाए, हर पंचायत में 10, 15, 20 या ऐसे बोरवेल किए जाएं कि जब ज़्यादा पानी हो नीचे चला जाए, और जब बारिश कम होती है, जब बोले कि सूखा है, तब उस पानी को बाहर निकाला जाए। इससे हमारा वाटर का जल स्तर भी कम नीचे नहीं जाएगा और जो हमारा कम पानी की समस्या है वो भी हल हो जाएगी, और जो ज़्यादा पानी की समस्या है वो जैसे पानी गिरा 2, 4, 6, 10 घंटे, 12 घंटे के अंदर पूरा वाटर हार्वेस्टिंग से नीचे उतर जाएगा, उससे हमारी ज़मीन को भी सुधार होगा और पीने के लिए पानी। तो चलिए, अच्छा संदीप जी, ये बताइए कि यदि भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है, एक होता पार्टी का नाम, क्योंकि आज आपने पता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से मोदी लहर ने कार्य किया, एक होता है पार्टी का नाम, दूसरी तरफ होता है प्रत्याशी का काम। तो आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंदर यदि टिकट मिलती है आपको, पार्टी के नाम पर वोट ले पाएंगे ज़्यादा या कि आपके काम पर? देखिए, मैं दोनों के नाम पर ले पाऊंगा, मैं पार्टी के नाम पर भी ले पाऊंगा, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे किस्म से माँ है और उसके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा हमारा सामाजिक कार्य है, और जो हमारा खेती किसानी का है, और जो हमारा आधुनिकीकरण के लिए, हर उसके लिए उद्योगीकरण के लिए मैं काफ़ी काम करूंगा, यहाँ के युवाओं को कोशिश करूंगा कि जैसे भी जुलाना क्षेत्र के अंदर 8 रेलवे स्टेशन आते हैं, यहाँ पर AMU EMU की जो ट्रेनें चलें जल्दी से जल्दी, जो कम टाइम में दिल्ली जाए या कहीं भी आए उसको रोज़गार मिले, और रोहतक जो बड़ा शहर बन रहा है, जो नए जो क्लस्टर के सोनीपत की तरफ जो संभावना है, कुंडली मानेसर की तरफ काफ़ी जो बढ़ रहा है, तो कुंडली में अनेक फैक्ट्रियाँ हैं, और धीरे धीरे यहाँ के युवाओं को कि वो उधर जाए देखे और रोज़गार का कुछ दूसरी जगह भी देखे। और तीसरा कि मैं यहाँ पर जुलाना में चाहता हूँ कि औद्योगिकरण इस क्षेत्र में भी हो, क्योंकि पूरे जुलाना हल्के अंदर कोई भी ऐसा कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो चल रही हो। तो रेलवे लाइन दोनों तरफ, एक सोनीपत की तरफ गई है, एक रोहतक की तरफ जा रही है, और तीसरी इधर से एक जुलानागर हांसी की तरफ के लिए भी पास हुई है। तो इनके पास कोई ऐसा औद्योगिकरण हो जिससे युवाओं को रोज़गार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, और शिक्षा का स्तर अच्छा बने, और अच्छी शिक्षा के लिए जैसे हमारे पूरे जुलाना के अंदर कोई भी MA पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई साधन बने कि इधर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुले या यूनिवर्सिटी का कोई विंग आए या जैसे इस टाइप से रहे, तो और अच्छे कोचिंग सेंटर और ये सब हो। और सरकारी स्कूलों में अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे, क्योंकि मैं MA ज्योग्राफी और वो किया हूँ, नेट क्वालिफाइड था, तो मेरे बहुत साथ के जो दोस्त हैं वो कोई लेक्चरर है, कोई कुछ टीचर है, कोई PGT, कोई TGT है, तो वो बताते हैं कि सरकारी स्कूल में तो हम हैं लेकिन बच्चे कम हैं, जैसे 100 बच्चों के और 20 टीचर हैं। तो इस टाइप का मैं सोचूंगा कि जो स्कूल के जो सत्र हैं उनके स्कूलों को सत्र सुधारा जाए, और वहाँ के जो स्कूलों के अंदर जो टीचर आते हैं वो अच्छे टेस्ट पास करके आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर होते हैं उनसे वो मैं बोलूँगा ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन कम नहीं रहते हैं। तो मेरा कोशिश होगा कि लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनको ये बताया जाए कि आप अपने सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाओ और सरकारी स्कूलों का ध्यान रखेंगे। टीचर आज के दिन कोई भी है, नए युवा टीचर आए हैं, वो मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता को दूर करेंगे कि प्राइवेट स्कूल से मैं न करवा कर आप सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, जो शिक्षा क्षेत्र की जहां बात करते हैं जुलाना के अंदर, क्योंकि शिक्षा की कमी है, जैसे संदीप लोहान ने भी जो ग्राउंड पर जो रिपोर्ट तैयार की है कि शिक्षा की कमी है, जो सबसे पहले उसको दूर किया जाएगा, और सरकारी स्कूलों की जो संख्या, छात्रों की जो संख्या वो घटती जा रही है उसको प्लस किया जाएगा। क्योंकि आज शिक्षा की जहां बात करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर बिल्डिंगें हैं, लेकिन छात्र छात्राओं की बात करते हैं वो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो ग्राउंड मीडिया की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से रूबरू करवाएगी, और हमारे जो विधानसभा चुनाव को लेकर के स्पेशल कार्यक्रम चले हुए हैं कि संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात की, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को जानते हैं या नहीं जानते हैं, और जनता की राय अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम हर गाँव में जा करके पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है, और यहाँ के विधायक ने कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए, या किस पार्टी को लेकर के संभावित प्रत्याशियों के अंदर से किस प्रत्याशी को आप चाहते हैं। तो हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ बने रहिए। तब तक ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से मैं अजब भारद्वाज।